अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको इस तरह से एक सेकेंड क्लास की वीडियो लाई हूँ जो सिंगल स्टिचेस हम उसमें बनाकर तैयार करेंगे, जो देखने में कुछ इस तरह से नज़र आती है। बहुत ही सिंपल वे में ये बनती है और बनकर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी नज़र आती है और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बनाना आज सिखाऊंगी इस वीडियो में। देखिए इस तरह से इसमें ये इतनी बारीकी से ये बनती हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में बनती हैं। क्लास वन में हमने इस तरह से ये चेन बनाना सीखे थे। इस तरह से ये बहुत ही सिंपल चेन होती है, बेसिक सी चेन होती है हमारे क्रोशे प्रोजेक्ट के लिए। और इसके आगे हमें नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। सो देखिए, मैंने इस तरह से उंगली में ऊन लपेट ली हूँ और देन इस तरह से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, टाइट रखना है। और फिर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, इस तरह से फोल्ड करना है और इस जो क्रॉस को है इस अंगूठे की मदद से हमें पकड़ना है और हुक को सर्कल में इंसर्ट करके इस तरह से लपेट कर बाहर निकालना है और स्लोली से थोड़ा सा हल्का सा नॉट लगाना है ऐसे, इस तरह से। और देन हमारी जो बेसिक सी चेन है हम उसे बनाना शुरू करेंगे। सो इस तरह से ये चेन बनती है जो मैंने क्लास वन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। इस तरह से ये चेन हमें बनाकर तैयार करनी है। आई होप के फ्रेंड्स आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी क्लास वन की, आप इसी तरह से अटेंड कीजिए और आपको ना बहुत ही इजी वे में क्रोशे प्रोजेक्ट बनाना आ जाएगा। इस तरह से हमें ये चेन बनानी है। देखिए इस तरह से ये चेन बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे मैंने क्लास वन में भी आपको बनाना सिखाया था। सो फ्रेंड्स, देखिए अब इसके बाद हमें इस तरह से सिंगल स्टिचेस बनानी है। देखिए इस तरह से, अभी हमने ऐसे नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, सिर्फ बिना धागा लिए इस तरह से जो चेन है उसका जो ऊपर वाला थ्रेड होता है, ये देखिए इस तरह से ये ऊपर वाला थ्रेड है, इसमें हमें इस तरह से इंसर्ट करना है हमारे हुक को ऐसे। देन इस तरह से ये ऊन को लेना है और ऐसे बाहर निकालना है। इस तरह से हमारे हुक में दो लूप हमारे पास मिल जाएंगे, दो लूप इस तरह से। और देन फिर हमें फिर से ऐसे ऊन को लपेटना है हुक में और इसे बाहर निकाल देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये जो चेन है उसके ऊपर वाला जो थ्रेड होता है इस तरह से इंसर्ट करना है हमारे हुक को और देन इस तरह से ऊपर से ऊन हमें लेना है और बाहर निकालना है। देन हमें फिर से लपेटना है ऐसे और फिर इसे बाहर खींच लेना है, इस तरह से दोनों लूप को हमारे हुक से छोड़ देना है। देखिए इस तरह से वापस से डालना है, बाहर लेना है। ये हमारी एक स्टेप हुई और नेक्स्ट स्टेप में हमें इस तरह से दोनों को बाहर निकाल देना है। देखिए ये एक स्टेप में हमें हुक को इस तरह से डालना है, फिर ऊन लेना है, ऊन को भी बाहर खींचना है और फिर दो लूप में से भी हमें हमारे ऊन को बाहर निकाल लेना है, इस तरह से अंदर डालना है। सिर्फ एक ही थ्रेड में हमें स्टिचेस करनी है और इस डिज़ाइन को हमें स्टिचेस को हमें बनाकर तैयार करनी है। देखिए इस तरह से ये ऐसे दो लूप आ जाएंगे हमारे पास, फिर दो लूप को भी इस तरह से छोड़ देना है। देखिए बिना लपेटे हमें इस तरह से थ्रेड में डालना है पहले, फिर हमें इस थ्रेड को बाहर निकालना है, फिर दो लूप के बाद हमें उन दो लूप को भी बाहर निकाल देना है और ये ऐसे कुछ बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। कंटिन्यू हमें
इसी तरह से करना है। फ्रेंड्स, आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। सो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिसे हम बहुत ही ब्यूटीफुल से क्रोचे प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करेंगे। और यही जो सिंपल स्टिचेस है, बस इसी की मदद से हम हेवी हेवी डिज़ाइन सीखेंगे। आगे आने वाली वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को। इस तरह से देखिए, इन दो लूप को भी हम बाहर निकाल लेंगे। देन देखिए, इस तरह से ये जो फ्रंट में नज़र आता है धागा, हाँ बस उसी में हमें इस तरह से बनाना है। ये देखिए, बनकर कुछ इस तरह से ये नज़र आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमें सिर्फ एक ही जो फ्रंट में हमारी चेन होती है उसके एक ही थ्रेड में हमें इन स्टिचेस को बनाना है। देखिए ना फ्रेंड्स, कितनी सिंपल स्टिचेस है ये। और इन्हीं सिंपल स्टिचेस के ज़रिए हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन मिलेगा। देखिए इस तरह से ये दो लूप को भी हम छोड़ देंगे इस तरह से। सो ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है, जिसे हम पर्स वगैरह, मोबाइल कवर, मोबाइल पाउच, स्टेशनरी पाउच और बेबी ब्लैंकेट, इस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हम इसी के ज़रिए कंप्लीट करते हैं। देखिए बस ये एक स्टेप है, बहुत ही सिंपल सा सिंगल स्टिचेस है, उसके ज़रिए हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट आगे मैं आपको शेयर करूँगी। इसी तरह से देखिए, ये बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितना सिंपल स्टिचेस थे और उसके ज़रिए हमने कितना ब्यूटीफुल सा एक वर्क किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कितना ब्यूटीफुल सा नज़र आ रहा है। प्रैक्टिस कीजिए, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। इस वीडियो को देखकर कुछ सीखिए। ये हमने जो बनाए थे क्लास वन में, और आज ये क्लास टू में बनाए हमने। सो फ्रेंड्स, देखिए उसमें कितना डिफरेंस है सिंगल क्रोशे और एक सिंगल चेन में। सो इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होंगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मेरे साथ बने रहिए, आगे की सिंपल वे में मैं आपको स्टिचेस भी बताऊंगी, जिससे आपको आसानी से इसे बनाना आ जाए। और इसके साथ साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।